वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंबिका राइटर। और बहुत दिनों के बाद आज मैं निकली हूँ किसी जगह को एक्सप्लोर करने। ऑलमोस्ट वीक के बाद मैं कहीं नहीं गई थी, कोई भी ट्रिप नहीं किया। और अभी मैं जा रही हूँ गोवा। गोवा में वैसे तो ऑफ सीजन चल रहा है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, मतलब बीचेस और पार्टीज के अलावा भी गोवा में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर वेदर ने साथ दिया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो जल्दी मिलते हैं गोवा में अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सीन्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे नंबर वन पे आज बाय एयर जाने से मुझे बहुत सारा डिस्काउंट मिला। मैं चंडीगढ़ से गोवा बहुत ही डिस्काउंट रेट पर पहुंच जाती हूं। दूसरा ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका स्टे होता है, जो आपको किसी अच्छी प्रॉपर्टी, मेन टू से आप ऑफ सीजन में किसी भी 5-स्टार प्रॉपर्टी में बहुत ही डिस्काउंट रेट पर स्टे कर सकते हो। और जिन प्रॉपर्टीज का अपना प्राइवेट बीच का भी एक्सेस होता है। कर रही हूँ सुबह के बजे हैं अभी 7 और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। और इतना यहाँ पर ब्यूटीफुल सा सारा, मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग बता नहीं सकती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह, सो रिलैक्सिंग। रात को बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट सुबह जब उठी तो बारिश नहीं थी। बट ये समंदर सच्ची में इतना खुश कर रहा है ना। और पीछे लहरें देखिए, ओ ग्रेट। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में रुकी थी, हॉलीवुड प्लैनेट। मेरे पीछे प्रॉपर्टी है, उनका अपना प्राइवेट बीच है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छा बीच है। सुबह सुबह इतना मज़ा आ रहा है ना मॉर्निंग वॉक करने का। एंड से लेके यहाँ तक वॉक करके आई हूँ, बालों का देखिए पूरा। और अभी तक मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा है, 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे वॉक करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको आज गोवा में कहाँ कहाँ पे विजिट करते हो, कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि गोवा सिर्फ बीचेस और पार्टीज के लिए नहीं, और भी बहुत कुछ है। गोवा में नेचर जो गोवा की है ना, वो बहुत अच्छी है। और इवन रात को जब बारिश हो रही थी ना, बारिश जिस तरह से हो रही थी ना, मतलब एकदम से तेज और एकदम से बंद, तो
वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा. जो लोग गोवा पहले आते हैं मे बी उन्होंने तो देखा ही होगा, ये मेरे पास मेरा सामान पड़ा है वहाँ से बिल्कुल. तो जो लोग यहाँ पे लोकल हैं या बॉम्बे साइड रहते हैं उनको पता है यहाँ की जो बारिश है वो कैसी होती है, बट मेरे लिए वो सब न्यू एक्सपीरियंस था. बारिश एकदम से बहुत तेज और एकदम से बंद, ऐसा यहाँ पे वेदर है. तो कुछ ऐसा है नहीं कि बीच बहुत गंदे हैं, ऐसी बात नहीं है, बीच साफ सुथरे ही हैं. यहाँ पे कोई है नहीं, बहुत कम लोग हैं यहाँ सुबह है. To my head, am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. प्रॉपर्टी के सारे ही जो सेक्शन है ना बहुत ब्यूटीफुल हैं, खास करके ये वाला सेक्शन है. ये पूल के साथ अटैच है और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए है और यहाँ पे बैठने के लिए रहता है, बहुत ब्यूटीफुल है. Wondering what I've done wrong. Those words are kind of hard to find, so I just had to write this. Property वालों से ये कौन सा फ्रूट है? Can you guess? ये चीकू है, हार्ड है काफी अभी तो. गाइज मानसून में गोवा का एक अलग ही व्यू होता है, लैश ग्रीनरी होती है चारों तरफ, बहुत ग्रीनरी. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool to let you go. You got into my head. So this is life pancake. और खाना 5 स्टार में बैठ के आप पूरा फूड एंजॉय कर सकते हैं दिल भर के. तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ. ब्रेकफास्ट बहुत यम्मी सा है यहाँ पे हॉलीवुड प्लैनेट में, और यहाँ पे मैंने स्पेशल इनका जो गोवन रोज ऑमलेट है वो ऑर्डर किया है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसा है. दिस इज़ रोज ऑमलेट जो कि गोवा में ही बनता है विद कड़ी, और ये है इनकी लोकल ब्रेड पोई. तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा. Doesn't get better than this. Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? So guys, 5 stars प्रॉपर्टी में स्टे एंजॉय करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ गोवा को एक्सप्लोर करने, और मैंने मॉनसून और रेन को ध्यान रखते हुए कार रेंट की है. और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये पूरी डिटेल दूंगी कि अगर आप गोवा आ रहे हैं तो कहाँ से कार आप रेंट कर सकते हैं जो कि आपको बजट में रहे. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग अंबिका राइडर.